संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिन तक सिरसा में रहेंगे। जी हाँ, हम आपको बता दें कि 13 मई से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सिरसा का दौरा है वो शुरू होगा और इन 3 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, चाहे हम जनसंवाद कार्यक्रम की बात करें, चाहे अधिकारियों की मीटिंग लेने की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करने की बात करें, तो तमाम जो है बैठेंगे हैं वो मुख्यमंत्री करेंगे। इसके साथ साथ अनेक कार्यक्रमों में भी वो जाएंगे। फिलहाल जो कार्यक्रम उनका बना है उनमें से हम आपको बता दें कि 3 हलकों में उनके कार्यक्रम हैं वो बन चुके हैं, जिसमें से कालांवाली हलके, डबवाली और रानिया, 3 विधानसभा हलकों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हैं वो बने हैं। और इन प्रोग्राम को लेकर के मुख्यमंत्री के जो ADC हैं उन्होंने सिरसा का दौरा किया और सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता और SP यानी कि पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीना है उनके साथ उन्होंने तमाम गांवों का दौरा कर पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और देखा कि किस तरह से कहां पे जो है मंच बनाया जाएगा, किस तरह से जनसंवाद कार्यक्रम है उसका आयोजन है वो किया जाएगा। सीधे तौर पे हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पहला कार्यक्रम है वो कालांवाली हलके के गाँव खैरिका में होगा, दूसरा कार्यक्रम बड़ागुड़ा में और तीसरा कालांवाली में होगा और चौथा कार्यक्रम है वो जगमाल वाली में होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव है, इसी तरह से जो डबवाली क्षेत्र के गांव है अगला कार्यक्रम है वो चोरमारखेड़ा में, डबवाली में, गंगा, अबूब शहर, आसाखेड़ा, इन गांव में होगा। और रानिया विधानसभा क्षेत्र के जो गाँव है, बनी जो बड़ा गाँव है, संत नगर और ओटू, इन 3 गाँव में जो है रानिया विधानसभा क्षेत्र के 3 गाँव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर के अधिकारियों की ड्यूटी है वो जो है जिला प्रशासन है वो लगवा रहा है और इन कार्यक्रमों को लेकर के पूरी तैयारी है वो जिला प्रशासन है, पूरा अलर्ट मोड पे इसको कहा जा सकता है कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है वो की जा रही है। विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं वो लगातार जिला उपायुक्त के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इन कार्यक्रम स्थलों का भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि सिरसा और एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का अभी कार्यक्रम नहीं बना है। हालांकि सिरसा के विधायक गोपाल कांडा हैं, उन्होंने कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दिल्ली में मुलाकात की और उन्होंने सिरसा की अनेक परियोजनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री से चर्चा की। गोपाल कांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा आ रहे हैं जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर के और उन्होंने एलनाबाद और सिरसा जो 2 विधानसभा क्षेत्रों का कार्यक्रम नहीं बना है उन कार्यक्रमों को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री इन 3 हलकों में ही जाएंगे या उन 2 हलकों के कार्यक्रम भी बनाएंगे, ये कह सकते हैं। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि जहां किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस दौरे को लेकर के विरोध करने की चेतावनी दी हुई है, वहीं सरपंच एसोसिएशन ने भी कहा है कि वो भी मुख्यमंत्री के इस दौरे का विरोध करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है और कार्यक्रमों को लेकर के भी जो है अलग अलग जगह ड्यूटी है वो लगाई जाएगी, किसी तरह की जो है लापरवाही नहीं रहे इसको लेकर के अधिकारी हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।